डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। तालाब से मिट्टी उठाने का विरोध करने पर प्रधान के बेटे के साथ मारपीट, 50,000 की नकदी लूटने का लगाया आरोप। दरअसल मामला खरकोदा थाना क्षेत्र के गांव पीपली खेड़ा का है, जहां तालाब से मिट्टी उठाने का विरोध करने पर प्रधान के बेटे के साथ मारपीट की गई है। साथ ही ग्राम प्रधान ने 50,000 रुपए की नकदी लूटने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। पीपली खेड़ा निवासी आमिर खान पुत्र लियाकत अली ने बताया कि अमृत सरोवर के तहत गांव के तालाब से मिट्टी उठाने का कार्य चल रहा है। रविवार सुबह गांव का ही कयूम पुत्र यासीन तालाब से डंपर में मिट्टी भरवाने लगा। उसने मिट्टी उठाने का विरोध किया तो कयूम ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट करते हुए जेब में रखी 50,000 रुपए की नकदी भी लूट ले गए। ग्राम प्रधान ने थाने पहुंचकर कयूम व उसके दो भाइयों के खिलाफ मारपीट व लूट की तहरीर दी। थाना प्रभारी राजीव सहरावत ने बताया कि मामला मारपीट का है, लूट की बात फर्जी है, जांच की जा रही है, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सुनिए पीड़ित से मिली जानकारी। क्या नाम भैया आपका? जाकिर, रिफाकत अली। क्या हुआ था घटना? घटना ये हुई भैया, यहाँ जोर में काम चल रहा है, तालाब में जो है सिल्ड निकाल ले है। किस जगह? तालाब में पीपली खेड़ा गाँव में। अच्छा, तो तभी कयूम नाम का लड़का आया अपने भाइयों के साथ। पहले तो उसने फ़ोन पे बात करी कि भाई मुझे यहाँ से 10-12 डंपर रात को जो 10-12 डंपर निकलवा दे। अच्छा, काई के मट्टी के? अच्छा, अवैध तरीके से? अवैध तरीके से, हाँ, कि हमें 10-12 डंपर निकाले। हमने सब मना कर दिया, भाई हमारे सचिव हैं और वे हैं, उनसे पूछ लो, वह हमारा सचिव और ठेकेदार कह देगा, हम भरवा देंगे। हमने उससे मना कर दिया तो इसी बात को लेकर जो गाली गुप्पड़ करने लग गया। अच्छा, हाँ, फिर इसी बात को लेकर जो कौन कौन था? कयूम मोहम्मद अली और शौकत अली। अच्छा, बात अपाई में जो उन्होंने हमारे 50,000 रुपये निकाल दिए, जो ठेकेदार कल दे के गए 10 बजे लेबर के लिए। तो आप कौन लगते हो प्रधान जी के? आप प्रधान जी का भाई हूँ, सरापा से छोटा। प्रधान जी का नाम क्या? आमिर खान, आमिर खान पुत्र लियाकत अली। तो पुलिस कंप्लेन करी थी आपने? हाँ, 112 नंबर को मैंने सूचना दी, तुरंत जब तत्काल में सूचना दी मैंने 112 नंबर को, और फिर हमने थाने में भी तहरीर दी। तो उसमें मुकदमा लिखा गया भी नहीं? मुकदमा भी कोतवाल साहब ने कही, जांच करके जो है इसमें जैसे भी चढ़ाऊंगे, कोई कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उनमें से कोई अपराधी पकड़ा गया भी नहीं? पकड़ा गया, एक जना उठा लिया रात। तो उन लोगों का काम ही ये मट्टी अवैध खनन का है, क्या क्यों क्यों उठवाना चाह रहे थे? रिकॉर्ड बहुत बढ़िया इनका, जो बाइक चोरी के कम से कम 20 केस है। किस पे? रोड पार्ट के, कई पे। अच्छा अच्छा, हाँ, और डंपर रात जो है ना पूरे रात खनन करता है, पूरी रात वो खनन चल कहाँ रहा है? वो खनन ही पास में है, ये मितापुर के जंगल में चल रहा है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।